तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले पेटीएम। पेटीएम में लास्ट ट्रेडिंग डे को 19 रुपए 40 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है। पीछे के लगभग 4 से 5 ट्रेडिंग में लगातार स्टॉक में 5% की रैली देखने को मिली है। स्टॉक करंट लेवल पर 407 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक में 318 रुपीज के प्राइस को स्टॉक रिटेस्ट करता है और यहां पर स्टॉक में एक बड़ा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में इस प्राइस को एक लो बनाकर यहां से स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। पीछे के 3-4 ट्रेडिंग डे से लगातार देखें तो स्टॉक में लगभग 5% की रैली देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 380 रुपीज के नीचे के एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट अराउंड 520 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में ऊपर देखें तो एक रुकावट रेंज भी 520 रुपीज पर ही है, क्योंकि यहां से स्टॉक एक बार संभलने की कोशिश करी थी पर वहां पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और स्टॉक लगातार निचले लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो अब यहां से स्टॉक में एक अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म से होल्ड किया है उन्हें काफी बड़ी मात्रा में नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप 380 रुपीज के एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट अराउंड 520 रुपीज के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।